माय विलेज माय लाइफ चैनल में सभी मित्रों का स्वागत है। कानानी ऑर्गेनिक मैंगो फार्म गुजरात, ये देख सकते हैं आप, हमारा बड़ा बड़ा मैंगो का पेड़ गिर गया था तूफान में, तो उसको ऊपर से काट दिया है, ऐसे ही रहने दिया है। देखिए ऐसे उसको कटिंग कर दिया है, अभी 3-4 साल लगेगा उसको रेडी होने में। वो सीताफल का पेड़ है, ये पूरा हमारा 1 एकड़ में मैंगो फार्म है। गुजरात के अंदर जिले अमरेली लगते हैं हमारे को, गांव हमारा वाकिया नाम है, वो अमरेली धारी हाईवे है, उसके बीच में ही आता है हमारा गांव। ये पूरा नेचुरल फार्म है हमारा, उसमें कोई हम पेस्टिसाइड या रासायनिक खाद नहीं लगाते हैं, पूरा देसी खाद का यूज करते हैं। ये हमारा बोर है, यहाँ पानी यहाँ से है हमारे। एप्पल बेर जो बड़ा फ्रूट होता है अभी मार्केट में मिलता है। देखिए ये देसी अमरूद, और एक नीचे गिरा है, कितना कलर लाल है वो देखिए आप। वो भी नेचुरल में, यही बात है, जो कलर बढ़िया बनता है ओरिजिनल कलर। अभी तो अमरूद का सीजन नहीं है, तो भी इतना बढ़िया कलर लगता है देखिए आप। यह है कानाणी प्राकृतिक फार्म का नज़ारा, देख सकते हैं आप लाइव। तो देसी खाद का कमाल है, नो पेस्टिसाइड नो केमिकल। ये सब मैंगो ट्री गिर गया था तूफान में, तो उसको सबको नीचे देखिए ऐसे लकड़ी लगा के दूसरा उसको खड़ा कर दिया। सब पेड़ ऐसे गिर गया था, तो उसको थोड़ा रेडी करना पड़ा। खारेक का प्लांट है, इज़राइल बाराई, जो उसका स्वाद बहुत अच्छा है, बहुत ही स्वीट होती है खाने में।
वो देसी खारे के मामले में बहुत बढ़िया है। ये कानानी ऑर्गेनिक मैंगो फार्म से आपको अगले साल डेट मिलेगी 100% ऑर्गेनिक, पूरा प्राकृतिक तरह से तैयार किया हुआ है। एक साल अभी वेट करना पड़ेगा। ये अमरूद का पौधा सबको ऊपर से काट दिया था, तूफान की वजह से वो भी वो गिर गया था, तो ऊपर से काट के उसको नीचे से रेडी कर दिया, तो अच्छा हो गया है सब। ये भी पूरा मैंगो का ट्री है, उसको ऊपर से काट दिया है। ये हमारे 30 साल पुराने पेड़ थे। हमारे फार्म में बहुत नुकसान आया था, सभी को आया था, पूरा मैंगो भी फेल हो गया था। वो एक पेड़ अलग है, वो उसको केसर मैंगो का है नहीं, ये नीलम का है। उसका आम बहुत स्वाद में बढ़िया है, तो लास्ट में पकता है केसर मैंगो, जब खत्म हो जाता है बाद में उसमें पक जाता है लास्ट में छिले में। ये बहुत बढ़िया पेड़ गिर गया था। ऐसे गिर गया था नीचे से। सभी पेड़ में थोड़ा थोड़ा नुकसान हुआ था। यहाँ भी एक बड़ा पेड़ गिर गया है। ये जमरूख की वैरायटी है, लेकिन सबसे अलग है। वो सेब जैसा कलर बाहर ही होता है, उसका अंदर वाइट होगा। अभी पहली बार लगाया है, उसको स्ट्रॉबेरी गवा बोलते हैं। अब देखते हैं कैसा सक्सेसफुल है या नहीं है, हम आपको दिखाएंगे। ताइवान पिंक, वो तो अच्छी क्वालिटी है। ये ताइवान पिंक है। एक अमरूद का पौधा, एक मैंगो का, फिर अमरूद, फिर मैंगो, और बाहरी किनारे बॉर्डर पे पूरा ताइवान पिंक लगाया है।
लौकी है,